एक छोटी सी नोटिफिकेशन मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे आप लोग अपना सी टेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें बहुत बार ये प्रॉब्लम आ जा रही है डुप्लीकेट सीजन की, देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक नए टैब में ओपन करके, मैं फर्स्ट से दिखा देता हूँ। जैसे मैं सी टेट एडमिट कार्ड, ठीक है, सी टेट एडमिट कार्ड लिख कर मैं गूगल में सर्च करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से मैं एक नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करूँ। जैसे ही इस टैब पर मैं क्लिक करता हूँ ये मुझे इनवैलिड सीजन पर ले जाता है, इस पेज पर ले जाता है, ना कि डाउनलोड पेज पर। यहाँ इसका मतलब कि हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, ये दिखा रहा है इसमें, ठीक है। इसका आप लोग कैसे कर सकते हैं दोस्तों इस विंडो को फिक्स? सबसे पहले आप लोग, इसके दो ऑप्शन हैं, या तो आप लोग अपने जो ब्राउज़र है इसका डेटा क्लियर कर दे। कैसे करेंगे दोस्तों? अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट बटन प्रेस करिए। जैसे कि मैं एक बार प्रेस करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट बटन प्रेस किया, हमारे यहाँ पर डेटा क्लियर का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग डेटा क्लियर कर दीजिए, आपका ये सॉल्व हो जाएगा और वहाँ पर कोई कुछ नहीं मांगेगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, और ये वाले जो पेजेस हैं इनको आप क्लोज करके रख दीजिए दोस्तों और डेटा क्लियर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर डेटा जितना ज़्यादा आपका डेटा हो उतना उस हिसाब से थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं दोस्तों, ये 15-20 सेकेंड या 25 सेकेंड, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इसको क्लियर नहीं किया था। मेरा डेटा 320 MB का हो गया था। तो ये छोटी सी नोटिफिकेशन है दोस्तों, अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कुछ सवाल सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है दोस्तों अभी, बस ये हो ही जाएगा अभी। तो ये बहुत ही नोटिफिकेशन मुझे लगी दोस्तों, क्योंकि पहले मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी, फिर ऐसे मुझे कमेंट आ रहे थे कि ऐसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तब मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ। अगर हेल्पफुल थोड़े से भी होगा तो लाइक तो मार ही देना दोस्तों। अभी भी डेटा क्लियर कर रहा है दोस्तों, तो अभी हम लोग इसको आराम से होने देते, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। बटन आप याद रखिएगा दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, ठीक है, ये तीनों बटन एक साथ प्रेस करने हैं आपने। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये डेटा क्लियर हो चुका है। डेटा क्लियर होने के बाद में क्लियर क्रोम डेटा, इस टाइप से आपको विंडो आएगी, इसको आप लोग क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर से एक नए विंडो में जाता हूँ और फिर से वही टाइप करता हूँ, CTET एडमिट कार्ड 2019। ये पहला विंडो आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ, देखिए अब आपका ये पेज नहीं आएगा। चलिए मैं फिर से एक बार, अब आप लोग चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों बाय चांस अगर यहाँ से भी आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, फिर भी अगर यही प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको क्या करना है? अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग? कंट्रोल शिफ्ट एन, या फिर अगर कंट्रोल शिफ्ट एन नहीं करना है तो सीधे यहाँ पर जाइए, आप थ्री डॉट पर क्लिक करिए, यहाँ पर थर्ड नंबर के ऑप्शन में न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इस पर क्लिक करिए। ये वाला जो विंडो आएगा इस पर आप लोग CTET एडमिट कार्ड 2019 सर्च कर दीजिए। जो पहली विंडो आएगी उसे खोल लीजिए, वो आराम से आपकी ओपन हो जाएगी दोस्तों, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, इनवैलिड सीजन वाली प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।